नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम समाचार के प्रायोजक हैं स्कॉलर्स प्लेवे इंटर कॉलेज, गोविंद नगर, कानपुर। साउथ का बेस्ट स्कूल स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर। हिंदी मीडियम में सभी छात्रों को किताबें फ्री में मिलेंगी। संपर्क करें स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। पूर्वांचल के जिले में मौसम करवट लेगा। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का असर 22 और 23 मई को उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में पड़ने की संभावना है। इन जिलों में आंधी बारिश होगी, कहीं कहीं बहुत तेज अंधड़ और भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते तापमान के बीच 23 मई से फिर से मौसम पूरे प्रदेश में खुल जाएगा और तब गर्मी समूचे उत्तर प्रदेश में अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू करेगी। जिन शहरों में पारा 42 डिग्री या इसके ऊपर चला गया है, उनमें कानपुर, वाराणसी, बांदा और हमीरपुर शामिल हैं। इसके अलावा हरदोई, इटावा, खीरी, बहराइच, सुल्तानपुर, उरई, मेरठ और अलीगढ़ ऐसे शहर हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। अब एक नज़र उत्तर प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान पर डालते हैं। आइए जानते हैं 22 और 23 मई के बीच कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां अब हट जाएंगी तथा अगले कई दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम साफ और शुष्क होने के साथ दिन के तापमान में वृद्धि लगातार हो सकती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में लू का प्रकोप शुरू हो सकता है। इस समय अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास बने हुए हैं, लेकिन जल्द ही लगभग सभी जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा। दक्षिणी भागों में प्रयागराज से लेकर चित्रकूट, बांदा, कानपुर, महोबा, झांसी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में 23 मई के बाद अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, जिससे इन भागों में प्रचंड गर्मी शुरू हो जाएगी। जबकि उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी में तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। इस सप्ताह के आखिर में यानी कि 26 और 27 मई के आसपास उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होगी और न ही यह बारिश बढ़ते हुए तापमान पर ही कोई इसका खास असर होगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।